राम राम सारी भेणा ने और सतन सहेलियां भेणो सारिया राम राम। सारी खुश रहो, मस्त रहो, काम में सारी व्यस्त रहो। तो दो तीन भेणाइया के रखे के मन है आज चौथ की कथा सुनाओ, तो जरूर सुनाऊंगा भेणो थे सुनो, ध्यान लगा के सुनियो, सारी सुनियो, सारी सुनोगी तो कथा को समान होगा, ना सुनोगी तो कथा को अपमान हो। की भेणो ना वर्त हो तो कथा तो जरूर सुननी चाहिए। तो आज तो तू माता को बरतियाँ वह का अपनी आशा पूरी करे, इच्छा पूरी। तो किंग संतान ना है तो संतान दे, और कोई भी कोई चीज़ के अपने यहाँ भी मनोकामना पूरी हो जाए तो वह पूर्ण करे। तो आज की चेत के महीने में आवे गोरू पहली और होली बाद में नौरतांग में आवे, कई बार तीज में वर्त हुआ, कई बार चौथ में हुआ। तो चेत लागता ही कोनी, अद्धा चेत हुआ चाननी चौथ हो वर्त। और इनकी विधि था ना बाद में बताऊँ, एक कथा सुन लियो थी। एक बुढ़ी माई तो बाज की चौथ माता को वर्त करियो, बिंग संतान को नहीं हो तो बिंग आज चौथ माता बेटो दियो तो बने आसियो नाम है रख लियो। तो बिन सारा ही आसियो बावलियो करने लग गया। तो बिन फिर चौथ माता चार बेटा दे दिया। तो तीन दिन सियाणा है बिन आस बावलियो कह बोलया मन को सीधो साधो बापड़ो हो, तो वो अच्छो खेल है कूदे काम कौन करे की अभी महाज के आज चौथ को व्रत करे तो वो है जो दान पुन करे एक ब्राह्मण जिमा दिन तो बुला गए। तो इं करता करता वह भाभी है जी की इं कह एक दिन का वो है नहीं आस बावलियो कह ना काम करे ना कोई और है, अरे वो 16 रोटी आप खाए अरे 32 कह लिया भी ने खुआवे ब्राह्मण ने, तो आप इं की पूरा वहाँ कह तो आप एको करा एक दिन आप इं करा रोटी ना पुआ सारी सोचा वहाँ के जमे तो पूरी को नहीं आ, तो अपनी बात है बने नहीं तो कोई कौन मानना, एक दिन तो कोई मानना ही कौन के घर में। तो बोली ठीक है, तीनों दिराणी जिठानियाँ एको कर लियो सोगी सोगी तो बह आया बेचारा काम कर गया थाने आगे, बोले भैया सो किया गई सारी तीनों ही, बोले क्या मैं तो भाई सोगी थाने कितनी बार कह दिए थे सुनाई कौन करो, वो आस बावड़ी है जो 16 रोटी आप कह अरे 16 ही कभी ने बुला के लिया 32 रोट का मान तो पोना पड़े। तो कह दान पुण्य मानने कौन सी गया कमी तो अक गई है, तो कह के करा कहीं छोड़ गया उगठे, तो बोले आ जा तो लियो पो तड़के देखांगा अरे कोई बात को नहीं। तो खड़ी हो गई रोटी पानी बना लियो सारिया दवाद आस बावलियो जिम लियो और एक ब्राह्मण ने लिया गए जिमा दियो। तो वह मन जिम ले तड़के तू के जिम है गो। तो दूसरे दिन वह बोलिया भी इं पार कौन पड़े आप चाल काम कर चला आस बावलिया ने कहो, जो बोलियो कि चलो मैं तैयार हूँ थर सक है, तो ले गया जो कोई काम तो वो करतो कौन की इकट्ठी ले जागे बिना उजाड़ गया माँ छोड़ दियो भाई तो आ गया छोड़ गए, अब वो सुते ही रह गयो सुते ही रह गयो। तो जब वो अपने बापड़े नींद आ गई बिना रोट खाएड़ा सो गए तो घरे आ गया, वह जब वो आपको बिना अंतर जनता ठोकर मारे वो तो सुत्यो। तो आज चौथ माता यहाँ देखियो देखते रहो कितो तकड़ो भगत है तेरो ही देड़ो पुत्र है और किया लोग ठोकर मारे। तो पहली बन गाली नींद ने नींद आ गई, बोली भाई खड़े हो आस बावड़िया, बोले तू कौन है कह मैं नींद हो कोले पर उठ जा मन तो नींद आ गई घनी आवे कह जागी को नहीं आने लग रही। दूसरे तीसरे बोली तू जा भाई, बोले कह खड़े हो आस बावड़िया तू पगाम सुते है, बोले तू कौन है कह तीस कह मैं तीस मर तो मरूँ कह पर जा पानी कौन मिल लग गई। तीसरा ही बोले भूख ने कह तू जा जगा गया, तीसरे भूख गई बोले आस बावड़िया खड़े हो, बोले पर जा कौन है कह तू, बोले मैं भूख हूँ, बोले कह भूख मर तो मरूँ रोटी तक गई कौन रोटियाँ डरता तो मैंने छोड़ गया अरे तू और आ गई पर जा कह। तो तीन उठ के बोले भाई मन तो नेड़े कौन लगन दिया आस बावड़ी चौथ माता ने बोली। तो चौथ माता आप है जी की रूप धार गए 16 श्रृंगार कर गए सोने लाल साड़ी बांध गए अभी जाके बोली कह खड़े हो क्या आस बावड़िया, बोले तू कौन है, बोले मैं चौथ माता हूँ आस चौथ। तो पगा पड़ गए बोले आस चौथ माता भी मैंने तो अब तू ही राह लगा भाई तो छोड़ गया मेरो अब क्यों कोई सारो कोनी कोई कोनी आज मेरो जद यहाँ के हो क्या फलानी नगरी में राजा टिकी जाओ है भट्ठा उड़ जाके बैठ गए तू ही मने को राजा का वो राजा जू खेला हो सके खेल ले तू। तो बोलियो माँ वो राजा मैं गरीब बोलियो ना ना तने कह तू मैं इशारो कर दूंगी है तू खेल ले, बोलियो ठीक है। तो आस बावड़ी हो तो भी नगरी में जागे राजा जो को चौपड़ मार रखी अरे खेल ले भी आ रहे को नहीं
वो गद्दी नीचे और जितक वो राजा, तो राजा घमंडी तो भी जाने मैं ही हूँ वीर, पर जा जाने तेरा मुठ्ठी की है। तो राजा है जो खेले जुओ, खेले तो वो कोई दूर जाके नीचे बैठ गयो बेचारो, गरीब पट्या कपड़ा रेन भूको तीसो जमाई गरीब। तो वो यहाँ सोचे चौथ माता है मैंने गालियो तो है, अटे के पार पड़ा इटा इटा तकड़ा राजा, घोड़ा रार हाथी आ रार कितना है कह, तेरी तो पार मेरी तो पार कौन पड़े। तो चौथ माता भी नहीं, मैं तो बड़ा वह बोल तू तकड़ो रे, कहते नहीं बनाऊंगी राजा। तो वो यहाँ कह तू कभी राजा से नहीं दे, चौथ माता कह। तो बोलियो कह भाई सारा खेल खाल गए, अरे राजा तो वो बोलियो अब कोई है तो बोल जाइयो, जब बढ़िया क्यों का मैं खेल लूँगा। तो बोले तू खेल, अब कोई है तो बोल जाइयो, जब बढ़िया क्यों का मैं खेल लूँगा। तो बोले तू खेल लेगो, तेरे तन पर लंगोटी को नहीं खाने, तेरे रोटी को नहीं, तू राजा बनने चाहोगे। बोले ना एक ही डाम खेलूँ राजा ने कह दी। तो राजा ने कहो राजा एक बैठे हुए कह जमाई भूको दिस्यो, पटेड़ी लंगोटी अरे खाने को नहीं बिंगा रोटी, अरे वो कह मैं राजा बनू, मजाक करे सारा मजाक करे हंसी करे। तो राजा बोलियो आन दियो आपने की है तो भी आन दियो कह। तो राजा ने वो बोलियो ई चौपड़ पर मैं ई गद्दी पर कौन खेलूँ। बोले तो इंगा तो नेम ही तकड़ा है, बोलियो पाप कपट को बरेड़ो है, मन्ने कर नीचे ही चौपड़ मांडो दूसरो सतगो। बोले ले वो तो 70 धर्म बोल जाना जदि फिरे कह तू भूको दिस्यो। तो दूसरो मांडियो चौपड़, तो राजा तो खेलने लगे, बोले तो मैं जीतूंगा जब तो मेरे कन तो घोड़े अड़ंगो या तीर घोड़ा और कोई शर्त लगा के देगो तू। बोले राजा मेरे कन तो क्यों को नहीं हारूंगा मैं, बन बथा राती घोड़ा तो नहीं रूंगा। फिर राजा मन में सोचे भी वही काम ठीक है, तना आदमी तो चाहिए गो। बोले लगा कह तो बाजी। तो राजा खेलने लगे तो वो जीत गयो हाथी घोड़ा सारा ही जीत गयो। तो राजा तो देख तो ही रह गयो। तो बोलियो कह भाई राजा जी भी थे, राजा जी थे ही सोना लागो, मैं कौन लागू एक डाम और खेला केड़ा थे जीत ही जाऊ। तो राजा फिर पाप हो गया मन में, बोले हाँ कह दूसर खेला, दूसर खेले तो रानी सारों की राजमहल सब जीत गयो, जीत गयो। तो राजा बोले ले भाई तू राजा मेरी रानियाँ तेरी हाजिरी लगाओगी, तू जीत गयो। बोले ना राजा इसो काम मैं कौन करूँ, मेरा माँ वर्गी है थे मेरे पिता वर्गाओ, राजा तो मैं बन जाऊँगा, मैं इसो काम कौन करूँ। बोले तो राजा इन्हें बिना देखे तो लड़की राजा गए जवान, बोले आ लड़की ब्याहूँगा तन मैं। बोले आपकी मर्जी है कहते मेरा माता पिता वर्गा हो। तो राजा तो बिना आपकी लड़की ब्याह दी राज पाठ दे दियो, और वो तो राज करे, राज करे तो वो महल बनाना शुरू कर दियो, जनिया कह भी थोड़ा पीसा कम काम ज़्यादा पीसा देवे। तो बंग ला रहे जगी चौथ माता दनगा कोयला कर दिया, कोयला कर दिया। तो वह माँ जगी माँ की ममता तिशी और रोए मेरा आस बावड़ियो करती फिरे बेचारी, करती फिरे नहीं जद वह आ गया भी नगरी माँ काम करने। तो राजा कन बोले भी मन काम लगा लियो, तो बोले भाई करो काम घणो ही पीसा ज़्यादा और काम है थोड़ो। तो काम करे तो बोले भाई थे सारा बन जाने माँ कौन दिखी है, तो आ गया सारा ही। बोले थारा कोई और घरे ना रेज है, बोले भाई मार तो बुढ़ी माँ है घर की रुखाली। बोले ए गा मैं चोरी कौन होने दी, मैं क्यों हो जाए सही लियाओ का भी बुढ़ी माँ ने। बोले माँ हूँ काम कौन है, बोले अठ ले आओ थार करने काम, तो बोला ना हो मैं थाने यहीं पीसा दूंगा, पीघा नाम को थे दो बठड़े ज़्यादा गेर दियो। तो माँ ने बोलिया माँ राजा बहुत ही बढ़िया है, यहाँ कह थार माँ ने लियाओ दो बठड़ थे ज़्यादा गेर दिए तो थाने मैं फ्री तनख्वाह देसी। तो माँ बेचारी आ गई, आ गई तो माँ रोए बैठे बैठी बैठी रोए नहीं, जब नौकरा चाकर के भी तू क्या भी रोए बुढ़ी माई, तने भी कोई कमी है तो बता। बने राजा के मेरी इन बुढ़ी माई की सेवा की कमी ना आन दी, मांगे भाई आन दी मांगे भाई चीज़ देनी है बैठी नहीं। तो बोली कि भाई मैं तो कह राजा पूछा भी तो रोनी ना चाहिए राजा के दरबार में, कोई दुखी ना रहना चाहिए। जो कह कह मैं राजा को मुख देखना मुँह देखना चाहूँ, मेरा एक बेटो क्या सबावलियो वो गुम गयो बिंग याद में मैं रोऊँ। अरे बोले तने राजा बुलाओ, कर राजा बुलावे तो राजा ने पूछ लिया भी राजा मुँह देखना चाहूँ। तो राजा कन गया, बोले भाई बुढ़ी सी माँ है राजा, अरे यहाँ कह मैं राजा मुँह देखना चाहूँ। तो बोले आन दे बुढ़ी माई ने, भाई बुढ़ी मेरे तो माँ समान है कह। तो बुढ़ी माई आई आगे देखी रोई, बोले भाई बता बुढ़ी माई तू रोई क्यों। बोली बेटा तेरे वर्गो मेरो आस बावड़ी हो, तू तो राजा है बड़ बिंग याद में मैं रोई। जब वो माँ गए पगा पड़ियो, बोले माँ मैं बोई हूँ आस बावड़ियो, जब माँ की ममता तो न्यारी हुआ बेचारी की, अरे ढूंढ लियो आप अगर बेटे ने अरे पगा पड़ियो। तो राज माता बनाई गद्दी बिठाई माँ ने, बोले माँ तू व्रत करती आस माता को, अरे मैं कह ब्राह्मण जी मन तो। बोले बेटा तू आस माता को मन देड़ है, आसा पूरी करिए अपनी आस माता जब बने नी बुढ़ली। बोली मेरा पोतो होना चाहिए, जदा पोतो हुआ नहीं तो अध्यापन हुआ ही वो चौथ माता को, पोतो हो राजा के आस बावड़िया के, अरे बन फिर अध्यापन करियो ए बा भगवान ज्ञान हो गया वह पगह पड़ी माँ गैर बेटा के दोनों। बोली मारे ना पढ़ो चौथ माता को पढ़ो, आज देवेगी थाने अणी थारो धन नष्ट करियो। जद
चौथ माता का पगां पड़ी, सासू के पड़ी, अभी आस बावली के पड़ी, तो वहाँ मन चाहे फल बने तो चौथ माता दिया। और बिंग है पोतों के पोते हैं जोड़ियाँ हम लेके उद्यापन कर दिया, और बहू ने चौथ माता को व्रत जला दिया। आशा पूरी कराया है आज चौथ की व्रत है। और कहानी ठीक है बहनों, आपने भजन इंदिरा के चैनल में थारो स्वागत गणो गणो थे, सब्सक्राइब कर दियो ना करेड़े नई बहना जुड़ी है तो। और मेरी बहना कह बने भगवान खुश रखे, चौथ माता इच्छा पूरी करें। हे चौथ माता।